वॉट वी हैव इज, किसी ने अभी कोई ऐसा बच्चा थोड़ी सी पढ़ाई करी है किसी ने अभी तक? सर, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा सर, रीड फर्स्ट चैप्टर करा पढ़ा? थोड़ा, अच्छा तब फर्स्ट सेकेंड चैप्टर पढ़ लिया अच्छा फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया। कहाँ से? एनसीईआरटी से? ये सर, थोड़ा सा रीड करा है अच्छा, फर्स्ट। सबके पास एनसीईआरटी है? यस यस सर, ऐसे यस बच्चे भी हैं जिनके सर, पास एनसीईआरटी नहीं है? यस सर, नहीं है अच्छा, तो मैं आपको गूगल क्लासरूम में भेज दूंगा एनसीईआरटी, ठीक है? सर, पीडीएफ है। हाँ पीडीएफ है, उसमें पीडीएफ में यस वॉटरमार्क है एनसीईआरटी वाला। यस सर, यस सर, मेरे पास बिना एनसीईआरटी वाले वॉटरमार्क का। अच्छा नाउ दिस फर्स्ट चैप्टर बेसिकली वी डोंट हैव टू रीड इट फॉर योर आवर एग्जाम्स। दिस इज लाइक अ जनरल नॉलेज ऑफ फिजिक्स एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज फिजिक्स एंड हाउ टू गो अबाउट इट पूरे साल। तो हम एक थ्योरी, सारा की सारा थ्योरी चैप्टर है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सब है। दिस इज चैप्टर वन। नाउ चैप्टर वन, ये दिखाई दे रहा है ना फिजिकल वर्ल्ड, ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. और सुनाई भी दे रहा है ना? अच्छा, नाउ व्हाट वी हैव इज, वी हैव द चैप्टर वन एज फिजिकल वर्ल्ड। ये आपको एक बार रीड करना है, और ये इट दिस इज दिस एग्जाम, दिस चैप्टर इज नॉट फॉर एग्जाम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट देर विल बी रिलेटिव थिंग्स विच विल बी थ्रू आउट ऑल द 15 चैप्टर्स। इससे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, ठीक है? नाउ द फर्स्ट थिंग इज, what is physics? So what we say is, physics is a branch of science which you have already been studying, which deals with the study of nature. Sirf nature aur uske natural phenomena ke bare mein hum padhte rahenge, theek hai? Haan ji? Yes sir. Now yes, sir. We can think of any natural phenomena जो आपके पास में हो रहा हो, होगा या आपने देखा होगा, that is explained by physics. जो भी nature में natural phenomena हो रहा है, that is explained by physics. Now physics is of two types. One is a classical physics. As the name suggests, classical मतलब old. ये पुरानी वाली physics को, जो हमारे पास Newton वाली physics है 1900 से पहले वाली, को क्लासिकल बोल देते हैं। इट इज बेस्ड ऑन ओल्डर थ्योरीज, जैसे हम 11th में पढ़ेंगे मैकेनिक्स पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, व्हेन द वॉइस इज क्लियरिंग, सो ध्रुव सूरी के एंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। मेरे पास तो I have a 500 Mbps connection. ठीक है, तो अगर आप फोन से पढ़ रहे हो तो आप सिग्नल की तरफ आना पड़ेगा आपको। ध्रुव सूरी, ध्रुव सूरी नहीं सुनाई दे रहा, कोई बात नहीं। Now the older theories, all the older theories, अच्छा ठीक है, आर मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, ठीक है? आर्यन तिवारी जग गया। हाँ जी, और हमारे पास जो पुरानी ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ये यहां पर हमारे पास ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लिखा हुआ है, ये आपको अभी दिखाई देता है। हाँ जी, ये ऑप्टिक्स दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये हम सारी की सारी 12th क्लास में पढ़ेंगे। दैट इज ऑल क्लासिकल फिजिक्स, मतलब पुरानी वाली फिजिक्स। एंड द नेक्स्ट इज अ मॉडर्न फिजिक्स। ये मेरे को मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा है पेन, इसको पतला कर लेता हूं। दो, ठीक है।
हाँ जी. नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न फिजिक्स विच हैव द न्यूअर टॉपिक्स लाइक एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स. देन वी हैव होल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. देन वी हैव कॉम्युनिकेशन. कॉम्युनिकेशन बाई चांस 12th का अभी लास्ट ईयर हटा दिया है. ठीक है. अच्छा. नाउ नेक्स्ट इज ये हमने फिजिक्स देख ली. फिजिक्स कैसी है? फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद ऑल द स्टडी ऑफ नेचर एंड ऑल द नेचर नेचुरल फिनोमिना. क्लियर है ये? अच्छा. नाउ फिजिक्स इज बेसिकली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. दैट इज क्लासिकल फिजिक्स, जो पुरानी फिजिक्स है. दैट इंक्लूड्स ऑल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो हम 11th में करेंगे, एंड ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो हम 12th में करेंगे. देन वी हैव मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास 1900 में जितना भी कुछ हुआ है, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होल ऑफ कम्युनिकेशंस. ठीक है. अच्छा. नेक्स्ट वी गो, हाउ इज दिस फिजिक्स बी रिलेटेड टू अदर साइंसेस. पूरे साल हम क्या करेंगे? वी विल ऑलवेज बी टेकिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टू एक्सप्लेन फिजिक्स. ठीक है. सारे फिनोमिना हमारे पास सब्जेक्ट्स में होते हैं, और एंड फॉर द सेम फिनोमिना फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल वी विल बी स्टडिंग फिजिक्स. या मैथ्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, और बायो और केमिस्ट्री के प्रोसेसेस फिनोमिना पढ़ेंगे तो वो भी हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, दिस इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फिजिक्स विद केमिस्ट्री. आपको लगेगा ये वाला चैप्टर तो हमारे पास केमिस्ट्री में भी है, एंड वी विल बी स्टडिंग दोज चैप्टर्स फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप सारा का सारा बहुत थ्योरी पढ़ोगे. ठीक है. फिर हमारे पास कई सारे मॉडल्स ऑफ एटम आएंगे. जैसे हमारे पास आएगा थॉमसन मॉडल वगैरह आएगा. किसी ने पढ़ा अभी तक? यस सर. हाँ. दैट इज ऑल कॉमन विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. देन वी हैव रेडियो एक्टिविटी. हाँ जी. न्यूक्लियर प्लांट सुना है? Yes, sir. मेरी क्यूरी. Yes, सुनिए ना, मेरी क्यूरी एंड पियर क्यूरी. यस सर. दैट अक्षत को दोबारा एडमिट करते हैं. हाँ जी. दैट इज रेडियो एक्टिविटी. हम ये सब केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे. और एक्सरेज, एक्सरे कराया आपने कभी? हड्डी टूटी है? Yes, sir. तो वो वाला एक्सरे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज फिजिक्स विद बायोलॉजी. बायोलॉजी के साथ कहां कहां पर रिलेट करेंगे? द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड ऑल इट्स फिनोमिना आर स्टडीड बाय एक्सरेज. हम सेल्स को भी एक्सरेज से स्टडी करेंगे. आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल 10th तक पढ़ा है? सेल वॉल वाला है ना, वो सब हम देखेंगे कि कैसे होता है. एंड वॉटर राइजेज इन द प्लांट थ्रू जाइलम फ्लोएम. पढ़ा है? Yes, sir. हाँ. वो हमारे पास कैपिलैरिटी में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे. ठीक है. और जो हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, दैट आर स्टडीड बाय अल्ट्रासाउंड. हाँ जी. सुना है कभी अल्ट्रासाउंड हुआ है किसी का? Yes. नहीं. जब हमारे पास गॉल ब्लैडर में या किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, या हार्ट बढ़ने लग जाता है, या ब्रेन में हमारे पास कीड़ा चले जाता है, ठीक है, तो हमारे पास पहले सबसे पहली चीज करते हैं अल्ट्रासाउंड. या बुलेट हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है, तब एक्सरे और अल्ट्रासाउंड दोनों करते हैं. नहीं सुना? Yes, sir. सुना है? अच्छा. देन वी हैव MRI. MRI हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है. ठीक है. MRI सुनिए, ब्रेन की MRI 5000 रुपए में होती है, 6000 में, है ना? ठीक है. अच्छा. नाउ फिर आंखों के लिए हम जितने भी लेंसेज यूज करते हैं, चश्मा यूज करते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, सारे की सारे हम फिजिक्स में पढ़ेंगे. ठीक है. हाँ जी. अच्छा. ये चीजें हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स थोड़े 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 पढ़ेंगे. अच्छा. देन वी हैव फिजिक्स एंड मैथ्स. फिजिक्स और मैथ्स हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे.
और मैथ्स और फिजिक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है. फिजिक्स इज ऑल 70% मैथ्स. और इस क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं जो जिनके पास मैथ्स नहीं है? अच्छा नो सर. अगर आपका कोई दोस्त भाई, छोटा भाई, बड़े भाई, कोई फिजिक्स ले रहा हो, इंजीनियरिंग या मेडिकल दोनों करना हो, तो उसको बोलना मैथ्स जरूर लेगा. ठीक है. अच्छा, नाउ फिजिक्स में वी विल बी स्टडिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. वो बेसिकली है तो मैथ्स का पार्ट हमारे करिकुलम में, पर वो हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कम से कम एक महीना पढ़ेंगे. ठीक है. देन वी हैव एरिया, वॉल्यूम ऑफ फिगर्स, रेगुलर फिगर, इररेगुलर फिगर्स का एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे. मैथ्स का टॉपिक है पर हम फिजिक्स में पढ़ेंगे. ठीक है. हां जी, ठीक है. नाउ देन वी हैव फिजिक्स एंड मीटियोरोलॉजी. मीटियोरोलॉजी पढ़िए कभी? नहीं, किसी ने नहीं पढ़ी. अच्छा, नाउ जो भी आप वेदर फिनोमेना देखोगे, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फिनोमेना जो भी आप देखोगे, दैट इज कॉल्ड एज मीटियोरोलॉजी. दैट इज रडार. हम रडार पढ़ेंगे. रडार की थ्योरी 12th में आएगी, कम्युनिकेशन में. बाई चांस हट गया पर थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे. देन वी हैव रिमोट सेंसिंग फ्रॉम सैटेलाइट्स कि हमारे पास कौन सा आदमी कहां पर जा रहा है. ठीक है. और कहां का हमारे पास सॉइल बहुत अच्छा है और कौन सी गाड़ी कहां पर जा रही है. दैट इज रिमोट सेंसिंग फ्रॉम सैटेलाइट. गूगल मैप यूज किया है? Yes. हाँ, गाड़ी yes, में जा रहे होते हैं तो गूगल मैप पहले ही रास्ता दिखा देता है. Yes, हाँ, और अगर हम ब्रिज के नीचे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास ऊपर से जो है, ऊपर हमारे ब्रिज है और गूगल मैप जो है काला हो जाता है. देखा है? Yes, sir. हाँ, फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको सारी चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी और उसके पीछे का रीजन निकालना पड़ेगा. नेक्स्ट इज फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी. जो भी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फिजिक्स. ऑल द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन डे टू डे प्रैक्टिकल डे लाइफ. ठीक है. जैसे टीवी, रेडियो, माइक्रोवेव ओवन, देखा है? अच्छा. और हम रडार में भी यूज करते हैं, मोबाइल तो आप यूज करते हुए हो. फिर देन वी हैव थर्मोडायनेमिक्स. 11th क्लास में हम सेकेंड बुक में थर्मोडायनेमिक्स है सारा की सारा. स्टीम इंजन. स्टीम इंजन देखा है क्या? Yes, sir. कहां पर देखा है? पुराना पुरानी ट्रेन के आगे सर, जो पहले होता था. अच्छा, अब नहीं होता? पर अब तो सर इलेक्ट्रिसिटी वाले ज्यादा है ना. ये हमारे पास, देखो हमारे पास नो नहीं होगा किसी भी चीज का. ये मैंने क्या बनाया देखना जरा. अरे कुछ तो बोलो, ये क्या है? सोलर कुकर. सोलर प्रेशर कुकर. अरे धूप तो है नहीं, सोलर कुकर कहां से आएगा. दिस इज अ प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर के ऊपर ये सीटी रखते हैं, है ना? रखते हैं ना, सीटी ऊपर उठ जाती है ना. दिस इज अ स्टीम इंजन. ठीक है. अरे ठीक है. अच्छा, यहाँ पे कुकर में यहाँ पे पैन के अंदर दूध रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है और एक ये प्लेट रखी हुई है ऊपर, तो प्लेट उछलती है ना थोड़ी थोड़ी. दिस इज अ स्टीम इंजन. ठीक है. देन वी हैव ऑल द एरोप्लेन्स एंड एवरीथिंग विच फ्लाइज इन एयर और वी वॉक इन एयर, दैट इज डिपेंडेंट ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल. आपके घर में पानी आता है? Yes, हवा चलती है? हवा चलती है? Yes, sir. तो एवरीथिंग विल बी स्टडीड इन बर्नौलीज थ्योरम. न्यूक्लियर रिएक्टर. हाँ जी, चाइना ने कोई न्यूक्लियर रिएक्शन किया अभी? नहीं पता. चाइना ने न्यूक्लियर रिएक्शन करा कोई कल? अरे अखबार देखा करो, टीवी देखा करो. और नॉर्थ कोरिया ने कुछ किया था अभी?
सर, हाँ, दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ में. देन वी हैव मोबाइल्स, रेडियोज एंड टीवी, सारी की सारा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लास ट्वेल्थ के अंदर आएगा. उसका ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, और प्रोपगेशन मतलब उसका चलना एक जगह से दूसरी जगह. और कंप्यूटर तो आप यूज करती है होगे. एंड वी हैव ऑल द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, एंड वो सारी की सारी कंप्यूटर में यूज हो रही है. ठीक है? yes. हाँ जी, क्लियर है बच्चों? तो ये हमने एक फिजिक्स का ओवरव्यू लिया. फिजिक्स ओवरव्यू में हमने देखा पूरी इलेवेंथ में और ट्वेल्थ में हम क्या क्या कैसे कैसे पढ़ेंगे. और जिस बच्चे के पास भी मैथ्स नहीं हो वो मैथ्स जरूर ले लेगा. अच्छा, नाउ फिर आपको चैप्टर में सिर्फ आपको रीडिंग करनी है. साइंटिस्ट्स का नाम लिखा होगा और उनका कंट्रीब्यूशन या डिस्कवरी लिखी हुई होगी या इन्वेंशन लिखा हुआ होगा. ठीक है, इन्वेंशन. नाउ ये मैंने थोड़े से पॉपुलर वाले लिख दिए, और बुक के अंदर हमारे पास बहुत सारी टेबल्स हैं, वो आप पढ़ सकते हो. ठीक है, सम टेबल्स में कंट्री भी दे रखा है. हाँ, कंट्री भी दे रखा होगा. बिल्कुल बिल्कुल, कंट्री दे रखा होगा. हाँ, ये हमारे पास नॉइज आ रहा है. अनिकेत कुमार के माइक से नॉइज आ रहा है. अच्छा, नाउ आर्किमिडीज, जो आर्किमिडीज था वो, उसका हम बॉयंसी वगैरह हम पढ़ेंगे. देन न्यूटन का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है. न्यूटन्स कंट्रीब्यूशन इज ऑल ऑफ ग्रेविटेशन इज फ्रॉम न्यूटन. देन वी हैव द थ्री लॉज ऑफ न्यूटन. फिर हमारे पास ट्वेल्थ में एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हम न्यूटन का पढ़ेंगे. देन वी हैड रदरफोर्ड दैट गेव द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम दैट वॉज देयर फॉर अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 years. बहुत टाइम तक था रदरफोर्ड का मॉडल, जब तक बोहर नहीं आया था. बोहर गेव अस अ क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कि हमारे पास ऐसे शेल्स नहीं होते हैं. ठीक है, आपने 10th तक पढ़ा होगा ना, बीच में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास घूमते रहते हैं, ये पढ़ा है ना आपने. पर बोहर ने बिल्कुल अलग एटम का मॉडल दिया था, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम मॉडल. देन वी हैड मिलिकन, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे. आप केमिस्ट्री में भी आप ये इसको पढ़ोगे. दैट विल टेल अस द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. ठीक है, देन जेसी बोस, ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट, पर अमेरिका बोस स्पीकर बनाता है. हाँ जी, बोस स्पीकर सुने? बोस स्पीकर्स के हेडफोन्स 40,000 रुपए के आते हैं. Yes. हाँ. तो जेसी बोस ने सबसे पहले रेडियो वेव्स यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स बनाई थी. ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में. आइंस्टाइन का नाम तो सबने सुना हुआ होगा. रिलेटिविटी थ्योरी उसने दी, पर उसको रिलेटिविटी थ्योरी का नोबेल प्राइज नहीं मिला था. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा दिया था उसने, वो हम ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था. देन वी हैड ऑल द रेडियो एक्टिविटी गोज टू मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी. रेडियम, रेडियम देखा है? Yes, कहां पे देखा है? नो सर, नहीं देखा. बैंड होते हैं सर, नो तक भी नहीं. नहीं 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 नहीं, वो 10, 20, 50, 100 रुपए के जो बैंड्स आते हैं जो रात में चमकते हैं, दैट इज नॉट रेडियम. ठीक है, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मैं आपको क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगा कि आपका कोई भी कंसेप्ट गलत है या सही है. ठीक है, हाँ जी, दैट इज नॉट रेडियम. अपने घर में जो हाथ की घड़ी है, हैंड वॉचेस जो हैं, उस
ठीक है, जो सुई वाली हैंड वॉचेस हैं, उसको अंधेरे में ले जाकर के देखना, ठीक है। तो जितनी भी महंगी हमारे पास वॉचेस होंगी उसमें हम रेडियम लगाएंगे और वो हल्का हल्का चमक रहा होगा, ठीक है। देन वी हैव पोलोनियम। पोलोनियम की डिस्कवरी भी मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने करी थी, एंड ऑल द रेडियो एक्टिविटी थ्योरी हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, ठीक है। देन वी हैव एसएन बोस। एसएन बोस में क्वांटम स्टैटिस्टिक्स सब कुछ कर रहा है। अगर आपके पास साइंस रहेगी तो आप बीएससी या बीटेक या एमबीबीएस जो भी कुछ करोगे उसमें आप ये क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, ठीक है। बेसिकली ये एमएससी में आएगा, बीएससी में भी नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट इज सीवी रमन। ये भी हमारे पास इंडियन नाम है, दैट इज रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाउ स्काई का आपने रेड कलर देखा है सुबह सुबह और रात को, शाम को? दैट्स रेड कलर इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो हम पढ़ेंगे। ये हमारे पास या तो सैलेब डेनियल, यतिन सिंह, प्रियांशु, अनिकेत, यहां से हमारे पास ऑडियो नॉइज आ रहा है। अच्छा, देन वी हैव होमी जहांगीर भाभा। भाभा एटॉमिक स्टेशन पढ़ा है, न्यूक्लियर एटॉमिक स्टेशन? नहीं, 10th क्लास की ज्योग्राफी में है, बी ए आर सी मुंबई, तारापुर एक जगह है, मुंबई से 200 किलोमीटर दूर है तारापुर। उसमें हम बॉयसर रेलवे स्टेशन पे उतर के बी ए आर सी बॉम्बे जाते हैं। बी स्टैंड्स फॉर भाभा, दैट ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन मतलब इंटरस्टेलर स्पेस, कहीं और से हमें पता नहीं चल पाता है। ये आपको मैसेज दिखाई दे रहा है कोई इसके ऊपर? हाँ जी, किसी को मैसेज दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे ही दिखाई दे रहा होगा। 10 मिनट्स में ये हमारी क्लास खत्म हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। अच्छा, मैंने सोचा था कि आज सेकेंड चैप्टर शुरू कर देंगे, पर कोई बात नहीं। अच्छा, लेट अस चेंज द कलर। कलर चेंज करते हैं, बहुत देर से ये चल रहा है रेड कलर से। रेड ठीक है? यस सर। रेड ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव इज वी हैव फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर के हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस मतलब है जो नेचर ही नेचर पर लगाता है। क्लियर है? हाँ ना। एक फोर्स है मैन मेड फोर्स या नॉन फंडामेंटल फोर्स। अगर मैं आपको धक्का देता हूं या खींचता हूं, पुश पुल करता हूं, दैट इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। जो नेचर अपने आप जो फोर्स एग्जर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल फोर्स। देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पूरे नेचर में दो बेसिक फोर्सेज हैं और सारी की सारी नॉट नेचुरल है। फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, हमारे पास देखो दो तरीके की फोर्सेज हैं। नाउ वन इज अ वीक फोर्स। ये जितनी भी वीक फोर्सेज हैं, ये सारी की सारी बड़ी बड़ी बॉडीज लगाएंगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिटवीन टू बॉडीज हैविंग मासेस, ठीक है। देन वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर कोई भी चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएगा जो ई से डिनोट करेंगे, और मैग्नेटिक फोर्स भी लगाएगा जो बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, हमारे पास एक एटम तो ये है और दूसरा एटम ये है, ठीक है। ये इसके न्यूक्लियॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, दे आर कॉल्ड एज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। और विद इन अ न्यूक्लियस ऑल्सो
we have certain weak and strong nuclear forces. Now, next is, हमारे पास हम आ जाते हैं, we come over to strong forces. Now, strong forces are those nuclear forces. ये हमारे पास एक nucleus है. Nucleus के अंदर क्या क्या होता है पता है? हाँ जी, न्यूट्रॉन्स. यस, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन होते हैं. तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगी अट्रैक्शन की, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगी, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगी, वो उन सारी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बोलेंगे. क्लियर है? अच्छा, देन जो छोटी क्लासेस में आपने फ्रिक्शन पढ़ा, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग फोर्स. ठीक है? हाँ जी. Yes, sir. अच्छा, नाउ क्या आपने कभी नोटिस किया है कि फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग फोर्स? क्या फ्रिक्शन का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है? अरे बोलते तो हो नहीं. हाँ जी सर. क्योंकि दो फोर्सेस एक्ट करते हैं उसके. दो फोर्सेस, फ्रिक्शन इज अ सिंगल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स. फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन. अरे फ्रिक्शन क्या बात कर रहे हो? फ्रिक्शन, कभी माचिस जलाई है? सर दो बॉडी पे काम करता है. हाँ, दो बॉडी पे के बीच में काम करेगा, पर फ्रिक्शन तो एक ही पे लगेगा. हाँ जी, फ्रिक्शन तो एक ही पे लगेगा ना. ऑपोजिट डायरेक्शन तो है ना, पर फ्रिक्शन एक ही बॉडी पे लगेगा. हाँ जी. अच्छा, फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी गर्म हो जाती है, सुना? यस सर. तो हमारे पास पिस्टन चलेगा अंदर, तो सिलेंडर और पिस्टन चलेगा तो गर्म हो जाएगा. दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड दे विल प्रोड्यूस हीट. ठीक है? अरे ठीक है. अच्छा, नाउ हमारे पास चार मिनट हैं और मैं आपके नाम देख लेता हूं.